दोस्तों, आज वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपना पेटीएम अकाउंट कैसे बनाएं, विदाउट केवाईसी किए हुए पैसे को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिचार्ज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपना पेटीएम ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। इसका पेटीएम को ओपन कर लेना है। ऐप को पेटीएम ऐप ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से हमारा मोबाइल नंबर फिल करने के बाद हमें यहाँ पर जो प्रोसीड सिक्योरिटीज वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर अलाउ वाला परमिशन आ गया, तो हमें अलाउ कर देना है। तो इसके बाद जो है ये फिर एक बार अलाउ मांगेगा एसएमएस के लिए, तो हमें इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद हमें फिर से इसको अलाउ कर देना है। तो जितनी परमिशन मांगेगा उसको हम अलाउ करते हुए चलेंगे। और वीडियो को लास्ट जरूर देखिए, तभी आपको यहाँ पर पूरी समझ में आएगा कि हम पेटीएम से अकाउंट कैसे बनाए, इसके बाद हम इसको पैसे कैसे ट्रांसफ़र करें विदाउट केवाईसी। तो इसके बाद हमें यहाँ हमारे सामने यहाँ पर मोबाइल नंबर हमारे मांगा, जो हमने मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल किया था, तो उसमें हम सिमलेट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद जो हमारा यहाँ पर मोबाइल नंबर रहेगा वो वेरीफाई होगा, हमारे एसएमएस ओटीपी आएगी। देखिए हमारे यहाँ पर ओटीपी फिल हो चुकी है अपने आप, सिंपली हमारे यहाँ मोबाइल नंबर हमने लगाया था। तो इसके बाद हमें क्या करना है, क्रिएट अ न्यू अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने यहाँ पर इस तरह का ओपन इंटरफेस ओपन होता है। देखिए हमारा ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है लिंक बैंक अकाउंट, हम यहाँ से अपना चाहें बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। इसको कर रहा होगा आई विल लिंक बैंक अकाउंट लेटर, इस पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से हमें बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर फिल करने को आता है। जैसे हमारे यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर मांगेगा, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट, वोटर आईडी। तो यहाँ से हमारे सामने बहुत परेशानी होती है। तो यहाँ से सिंपली हम किसी का भी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आधार कार्ड नंबर और यहाँ पर अपना हम नाम फिल करने के बाद यहाँ पर जो आपको टर्म कंडीशन इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको सिंपली एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद जो यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल कर देते हैं और इसके बाद नाम फिल कर देते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, प्रोसीड टू इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे जो मोबाइल नंबर फिल कर रहेंगे उस पर ओटीपी जाएगी, तो ओटीपी हमारे नंबर पर आ जाएगी, सिंपली फिल कर लेते हैं। पेटीएम जो अकाउंट है वो पूरा यहाँ से एक्टिवेट पेमेंट सिक्योरिटी सील्ड, यानी हमारा जो यहाँ पर पेटीएम अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। यदि आप यहाँ से नहीं, आपका तरह इस तरीके का ऑप्शन नहीं आएगा, तो आपको हम बताते हैं क्यों तरीका। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं, एक्टिवेट पेमेंट सिक्योरिटी इस पर क्लिक कर देना है। तो जो है ये आपकी कलर रहता है यार, पिन जो आप वहाँ पर लॉक लगाएंगे तो वहाँ पर लॉक लगाना रहता है। तो इसके बाद यहाँ से आपका पेटीएम अकाउंट जो बनकर तैयार है, आप यहाँ से किसी भी ऐप पर ऐप से पैसे भेज सकते हैं और रिचार्ज कर सकते हैं। और